नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं एकेएस राजवीर, आपका अनअकैडमी और YouTube एजुकेटर। दोस्तों आज की क्लास यानी कि मैं बात करने वाला हूं आज आपके साथ एक विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, और साथ में दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम यानी कि माई लास्ट डचेस को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। दोस्तों आप मेरे कोर्सेज को अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी टाइप की क्वेरीज को लेकर के अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है तो दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या तो दोस्तों मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको नंबर विजिबल होगा। दोस्तों ये अगर मैं बात करूं अनअकैडमी के कोर्सेज की तो दोस्तों अनअकैडमी के कोर्स बहुत ऑसम होते हैं। यूजीसी नेट के लिए जो दोस्तों मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ है वो 6 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात की जाए, सो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फिलोसोफर। यस इन विक्टोरियन एज, यस इन विक्टोरियन एज वी हैव टू पोएट। विक्टोरियन एज में हमें दोस्तों दो पोएट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। सो अगर उनमें से हम पहले की बात करें सो वो है हार्डी यानी कि थॉमस हार्डी, और दूसरे दोस्तों अगर आप देखें तो दूसरे मिलते हैं आपको ब्राउनिंग, जिनकी बारे में मैं दोस्तों ऑलरेडी आपके साथ बात करने वाला हूं। अगर हम बात करें दोस्तों थॉमस हार्डी की, तो थॉमस हार्डी ने जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ दी That is pessimistic philosophy of life. और जो philosophy of life Browning ने दी तो that is optimistic philosophy of life. Because Robert Browning always believes that struggles and imperfections are a part of life. What he believes? He believes that imperfections and struggles are part of our life, and that's why he says an honest effort is more important than cause itself. On the other hand, he also said God is in heaven and all is right with the world. God is in heaven and all is right with the world. So dear learners, you can guess from these lines कि उनकी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जो जीवन के प्रति उनका दर्शन है जिसे हम कहें, दैट इज रियली ऑप्टिमिस्टिक। उनकी पोएम चाहे लास्ट राइट टुगेदर देखें, पिप्पा पासेज जैसा उनका प्ले देखें, या फिर दोस्तों पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन देखें, जो भी वर्क अगर आप देखेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग का, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, और वहां पर आपको ऑप्टिमिज्म देखने को। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं थॉमस हार्डी की, तो थॉमस हार्डी के वर्क्स में आपको एक चीज देखने को मिलती है, दैट इज पैसिमिज्म। ही सेज एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉय वी टू गॉड, दीज आर द लाइन बाय विलियम शेक्सपियर। इन विलियम शेक्सपियर इन हिज वर्क किंग लियर ही सेज एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉय वी टू गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। एंड थॉमस हार्डी वॉज अ फैन ऑफ विलियम शेक्सपियर, विली। He has written these lines in his work, Tess. As flies to wanton boy, we to God, they kill us for their sport. So, these are the lines. And Thomas Hardy, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो उनका वर्क है Jude the Obscure, one of the highest pessimistic work. Yes. एक्सटेंट पार कर दिया था इस वर्क ने, और इस वर्क को पढ़ने के बाद जाने कितने सारे लोगों ने इवन सुसाइड भी किया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक ही एज में विक्टोरियन है दोनों, थॉमस हार्डी रॉबर्ट ब्राउनिंग, बट एक ही एज में दोनों लोगों ने जो राइटिंग की वो डिफरेंट है। तो दोस्तों आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम जिसका नाम है माई लास्ट डचेस, ये मैं दोस्तों आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखिएगा लाइन बाय लाइन दोस्तों, एक फुल डिस्क्रिप्शन के साथ ये पोयम है और काफी अच्छी पोयम है, तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आएगी। दोस्तों अगर कंप्लीट कोर्स आप मेरा ज्वाइन करना चाहें तो दोस्तों कंप्लीट कोर्स अनअकैडमी पर अवेलेबल है आप सबके लिए, और यहां पर दोस्तों ये कुछ हाईलाइट फीचर दिए हुए हैं अनअकैडमी के, ये कौन कौन सी चीजें हम आपको करते हैं, यानी कि हम कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं यूजीसी नेट इंग्लिश,
और दोस्तों ये है 6 मंथ की फी 7760 रुपए, जिसको आप देकर के पेपर वन पेपर टू दोनों स्टडी कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें बात करना चाहिए माय लास्ट डचेस की। तो जब दोस्तों हम माय लास्ट डचेस की बात करते हैं, ये एक ऐसी पोयम जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सबसे पहले दोस्तों हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो ये पोयम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और दोस्तों जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, आपको पता होना चाहिए इसके कुछ डिफरेंट फीचर होते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फीचर के बारे में जानना चाहिए, वो क्या होता है। इसका पहले मतलब हमें जानना चाहिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। तो जैसे दोस्तों हम इसे लिखें DRAMA एंड देन TIC ड्रामेटिक एंड देन वी हैव मोनो MONOLOGUE। So, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मोनोलॉग का मतलब, देखिए ड्रामेटिक यहां पर सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि एक्शन होगा, यानी कि ड्रामेटिक मींस एक्शन होना चाहिए। और मोनो यानी कि होता है दोस्तों सिंगल, SINGLE, एंड लॉग मींस होता है कन्वर्सेशन। सो इट मींस कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है वो एक किसी सिंगल स्पीकर का कन्वर्सेशन होता है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपको एक चीज देखने को मिलती है, और वो क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि एक सिंगल जो कैरेक्टर है वो इंचेंटिंग कर रहा है, वो बातें कर रहा है। सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, और उसके डिस्क्रिप्शन से ऐसा लगेगा कि कोई और भी है जो प्रेजेंट है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू कर देते हैं। अगर दोस्तों मैं इस पोयम की बात करूं माई लास्ट डचेस की, तो माई लास्ट डचेस जो आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग का फीचर होता है, एक एब्रप्ट ओपनिंग है ये पोयम। और जहां तक अगर बात किया जाए तो दोस्तों इसमें 28 आयंबिक, यस 28 राइमिंग कपलेट्स हैं इस वर्क में। कितने? 28, यस मैं लिखे दे रहा हूं दोस्तों, ये 28 इसमें राइमिंग कपलेट्स हैं। हाउ मेनी कपलेट्स आर देयर? 28। और ये जो पोयम है आयंबिक पेंटामीटर में है, IAMBIC आयंबिक एंड देन यू हैव पेंटामीटर, PANTAMETRE, यस आयंबिक पेंटामीटर में ये वर्क लिखा है लास्ट डचेस। दोस्तों लास्ट डचेस की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें, काफी ज्यादा आपके जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग से। तो जब हम बात करते हैं लास्ट डचेस की, तो दोस्तों लास्ट डचेस एक ऐसी पोयम जो एब्रप्ट ओपन होती है, और इसमें कन्वर्सेशन है ड्यूक ऑफ फेरारा की। स्पीकर कौन है इस पोयम का? तो दोस्तों इस पोयम का जो स्पीकर है वो है ड्यूक ऑफ फेरारा। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये लिखा है ड्यूक ऑफ फेरारा। और ड्यूक ऑफ फेरारा के यहां पर जो बगल की काउंटी का एनवॉय यानी कि एक मैसेंजर, जिसे हम कहेंगे एक मैसेंजर आया है ड्यूक के पास, और वो ड्यूक के रिश्ते की बात करने के लिए आया है। और दोस्तों कुछ और लोग हैं ऐसा डिस्क्रिप्शन में है इस पोयम की, जो डाउन स्टेयर पर है ड्यूक, और मैसेंजर एक अपर स्टेयर पर है यानी कि दूसरी स्टोरी पर है, किसी दूसरी मंजिल पर है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ है। वहां पर दोस्तों एक काफी बड़ी सी पेंटिंग लगी है, और ये डचेस की पेंटिंग है, और ये जो डचेस है उस ड्यूक की वो कहता है लास्ट डचेस, यानी कि कौन सी, जिसकी मेबी की उसकी डेथ हो गई है, जिससे लास्ट टाइम उसने शादी किया था। दोस्तों इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, शायद यही वो पिक्चर है जिसको ड्यूक ऑफ फेरारा मैसेंजर को दिखा रहे हैं। ओके, अब दोस्तों जब वो इसका डिस्क्रिप्शन देता है, तो वो इसके डिस्क्रिप्शन में उसके चीयरफुल नेचर और उसके इस चीयरफुल और हैप्पी नेचर को ड्यूक नाम देता है कि वो फ्लर्टियस थी, उसका जो नेचर था वो फ्लर्ट करने वाला था। ओके, और इसके अलावा वो ये बताता है कि जो ब्लसिंग स्माइल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे आप इस डचेस की पिक्चर में देख सकते हैं ब्लसिंग स्माइल है इसके फेस पर, वो स्माइल एंड बहुत सारी चीजों, इन सारी चीजों से ड्यूक को काफी प्रॉब्लम थी। दोस्तों चलिए हम इसको, इस पोयम को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन इसको हम स्टडी कर लेते हैं। जब लाइन बाय लाइन करेंगे सो सारा जो एक आउटलाइन है वो बिल्कुल आउटलाइन आपके सामने आ जाएगी।
और दोस्तों ये जो पोयम है कहीं ना कहीं इटालियन रेनेसा की तरफ इसका संकेत है, क्योंकि यहां पर जो पेंटिंग है और जिसका जिक्र मिलने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, है ना। तो दोस्तों जो ये पोयम है माय लास्ट डचेस, ब्राउनिंग ने इस पोयम को लिखा, और इस पोयम को अगर शुरू करूं तो फेरारा, जो ड्यूक ऑफ फेरारा है, वो उनकी उनका ये डिस्क्रिप्शन है, वो उस पेंटिंग की तरफ देख करके कहते हैं दैट्स माय लास्ट डचेस। क्या है वो, मेरी कौन सी डचेस है, लास्ट डचेस। कौन सी डचेस, लास्ट डचेस जो अब नहीं रही। पेंटेड ऑन द वॉल, दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव, I call that piece a wonder. Now, Fra Pandolf's hand worked busily a day, and there she stands. Will you please sit and look at her? I said Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, depth and fashion of its earnest glance. But to myself they turn, since none puts by the curtain I have drawn for you but I. So dear listeners, जो ड्यूक ऑफ फेरारा है उस मैसेंजर को ले जाता है, और जो पिक्चर है वो वॉल पर फिक्स है, जैसे कि जो पिक्चर है वो एक वॉल पर फिक्स्ड है, और कहता है ड्यूक ऑफ फेरारा कि ये जो पिक्चर है ये किसकी है, मेरी लेट डचेस की है, मेरी लास्ट वाइफ की है। और आज इस पिक्चर को देखकर के ऐसा लगता है जैसे कि ये जो मेरी डचेस है कैसी है, अलाइव है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस पिक्चर को बनाया किसने है दोस्तों, फ्रा पेंडोल्फ, जो एक ग्रेट पेंटर थे, फ्रा पेंडोल्फ उसने बनाया है। और टाइम कितना लगा है, एक दिन, अ डे, पूरा कंप्लीट डे। और तुम देख सकते हो कि यहां वो पिक्चर है, कितना एक बेहतरीन क्रिएशन है। रिक्वेस्ट करता है वो मैसेंजर से कि प्लीज बैठ जाइए आप, और मैं आगे आपको और कुछ बताने वाला हूं। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ, मैंने भी देखिए कहा था ना कि फ्रा पेंडोल्फ ने इसे बनाया है, यानी कि इस पेंटिंग को, इस डचेस की पेंटिंग को बनाया किसने है, फ्रा पेंडोल्फ ने। So I for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of his earnest glance. किसी भी ऐसे स्ट्रेंजर की ऐसी कोई हिम्मत भी नहीं हुई, किस बात के लिए, इस पिक्चर के ग्लैंस को देख करके कि वो इसकी डेफ्थ, इसकी स्माइल एंड ऑल के बारे में पूछे। But to myself they turned, हाँ उन्होंने पूछने की कोशिश की मेरी तरफ, वो मुड़े, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे पूछ पाते कि इस पेंटिंग में इतनी ब्लसिंग स्माइल के पीछे रीजन क्या है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई भी इस कर्टेन को हटा करके देख सकता इस पेंटिंग, मैंने तुम्हारे लिए हटा दिया। देखिए ये जो ड्यूक का एक कैसा नेचर, जो एक प्राउडली टाइप का नेचर है, प्राउड भरा नेचर जो है ड्यूक का, वो आप सबके सामने आ रहा है। ओके चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, इफ दे डस्ट, अगर वो डेयर कर सकते, साहस कर सकते, हाउ सच अ ग्लैंस कम देयर, कि कैसे इतना ग्लैंस आ गया डचेस के चीक्स में। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दिस, इसलिए तुम पहले नहीं हो जो इस पेंटिंग को देख करके इतना ज्यादा वंडर महसूस कर रहा है, स्ट्रेंज महसूस कर रहा है। ओके सो इफ दे डस्ट हाउ द ग्लैंस कम देयर, सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दिस, श्योर It was not her husband's presence only. लेकिन सर मैं आपको बता दूं, वो मैसेंजर से कहता है फेरारा, ड्यूक ऑफ फेरारा, कि मैं आपको बता दूं कि ये उसके केवल हस्बैंड, यानी कि मेरी प्रेजेंस नहीं थी ओनली, कितनी ब्लसिंग स्माइल आती थी। नॉट द सॉरी प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक, परहैप्स
Frau Pandolf chanced to say her mental lapse over my lady's wrist too much. शायद जो इतनी ब्लस्टिंग स्माइल इस डचेस के फेस में है, मेरी वाइफ के जो फेस में आप देख पा रहे हैं, वो शायद इसलिए है कि फ्रा पेंडोल्फ को मौका मिला होगा, फ्रा पेंडोल्फ जो पेंटर है उसको मौका मिल गया होगा ये कहने के लिए कि जो डचेस है वो क्या है, हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिस्क टू मच, कि जो उनका मेंटल लैप्स है वो मेरी लेडी के रिस्ट को बहुत ज्यादा ढके हुई है क्योंकि वो बनाना चाहता है। तो दोस्तों हो सकता है ये रीजन रहा हो ब्लसिंग स्माइल का, ड्यूक यहां पर गेस कर रहा है। प्रोसीड करेंगे दोस्तों, और या फिर फ्रा पेंडोल्फ ने क्या कहा होगा, और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस, या फिर जो पेंट है वो कभी भी दोबारा नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा द फेंट हाफ फ्लस्ट दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। ऐसी मतलब जिसे कहते हैं ना कि हाफ फ्लस्ट दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, कि जो उसके यहां पर कुल मिलाकर कि ये जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन के पास जो इतनी ब्यूटी है वो कभी कोई पेंटर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। सच स्टफ वॉज गॉट सी, और ऐसी बातें ड्यूक ने कहा मैसेंजर से कि जो ऐसी बातें होती थी ना, सो मेरी डचेस के लिए क्या होती थी, बहुत ज्यादा खुशी देती थी। लेकिन फेरारा, ड्यूक और फेरारा का मानना कि देखिए ये जो बातें थी ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्टसी थी एक, बट उसके लिए क्या लगा होगा कि ये उसकी खुशी का एक कारण। Too soon, she had a heart, how shall I say? कैसा दिल था उसका, क्या बताऊं मैं कैसा दिल था उसका, Too soon be made glad? बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, Too soon made glad, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, Too easily impressed, बहुत जल्दी impressed भी हो जाती थी, She liked whatever she looked on. जो भी चीज उसे देखती थी वो, जो भी चीज वो देखे उसे सब कुछ पसंद था। एंड हर लुक्स देखिए यहां पर, हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी जो निगाहें थी हर जगह देखती थी। सर इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सब कुछ एक था, एक जैसा था। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो ड्यूक ऑफ फेरारा है उनका शायद जो जिसे हम कहें कि साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो साइको क्या था कि वो चाहता था कि शायद सिर्फ मुझे देख करके स्माइल करे, मुझे देख करके डचेस कुछ इस टाइप के एक्शन करे, खुश हो। लेकिन सर इट वॉज ऑल वन, लेकिन सब कुछ उसके लिए एक जैसा था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, या फिर मेरा फेवर हो उसके लिए, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, या फिर ढलती शाम हो वो भी उसके लिए बराबर थी, द बॉ ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल, या फिर कोई एक जो चेरी की एक छोटी सी डाल कोई ऑफिशियस यानी कि कोई फूल टाइप का व्यक्ति उसको ऑफर कर दे तो भी उसके लिए सेम खुशी थी, द व्हाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरेस, या फिर वो जो व्हाइट म्यूल है उसके ऊपर बैठकर जिसके ऊपर वो टेरेस के चारों तरफ टहलती थी वो भी उतनी ही खुशी देता था। All and each would draw from her alike the approving speech. सभी कुछ, सभी चीजें डचेस के लिए कैसी थी, बराबर थी। देखिए दोस्तों यहां पर एक जो साइको एनालिसिस है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग पुट अप कर रहे हैं इस पोयम के थ्रू, आप बिल्कुल इजिली समझ सकते हैं कैसे। एंड देन आप आगे देखें, और ब्लस एट लीस्ट सी थैंक्ड मैन, देखिए उसका कहना है जो फेरारा है, ड्यूक ऑफ फेरारा, कि ठीक है भाई वो अगर थैंक्ड करती थी किसको, मैंस को, लोगों को, अगर वो छोटा बड़ा कोई भी काम कर दे तो थैंक करती थी, ठीक है ये बात सही है, बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन इस तरीके से धन्यवाद देना किसी को, आई नो नॉट हाउ एज इफ सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबडीज, और मैं समझ नहीं पाता कि वो कैसे मेरे 9 साल 900 ईयर्स ओल्ड नेम, जो 900 साल से ये जो मैंने नाम कमाया है उस नाम की अहमियत सबके गिफ्ट के साथ कंप्लीट थी,
उसे नहीं लगता था कि मैं उसकी डचेस हूं, मुझे बहुत ज्यादा अहमियत देनी चाहिए ड्यूक को, या फिर जो उसका नाम है खराब नहीं करना चाहिए, उसे सब कुछ बराबर लगता था। Who would stoop to blame this sort of trifling? Even had you skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such as one, I say just this or that in you disgusts me. So, वो आगे कहता है, जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फेरारा, सो वो कहता है मैसेंजर से, एनवॉय से, व्हाट ही सेज, टू मेक यू विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट्स मी। या उसने कहा, इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, आपके पास, आप भी बहुत समझदारी रखते हैं, बातचीत के तरीके, लहजे, सब कुछ जानते हैं, विच आई हैव नॉट, मे बी कि मेरे पास ना हो, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एज वन, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या कंडीशन रही होगी, मेरी क्या इच्छा रही होगी, इस चीज को आप समझ सकते हैं। वो मैसेंजर को, मैसेंजर को कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहा है कि यस, जो मैंने किया वो सही है, जस्टिफाई करने की कोशिश। So, देखिए, जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, मैंने कई बार कहा, मैंने उसे क्लियर भी कर दिया था, क्वाइट क्लियर टू सच एज वन, मैंने उसको कई बार बता दिया था कि ये जो इस टाइप के जो तरीके हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, तुम्हारा ये काम, तुम्हारे ये तरीके, तुम्हारी ये सारी आदतें क्या लगती है मुझे, डिस्गस्ट करती है। कौन कहता है दोस्तों? ड्यूक ऑफ Here you miss or there exceed the mark. लेकिन, और मैंने उसे बताया भी कि तुम यहां पर गलतियां कर रही हो, या फिर तुम अपनी मर्यादा या सीमा को लांघ रही हो, मैंने उसे बताया। And if she let herself be listen so, और मैंने उसे वॉर्न जो किया था, अगर वो उससे कुछ सीख ले लेती, Nor plainly set her wits to yours. So, अगर simple, जैसे कि सबको ही समझ जाता है कि क्या चाहता हूं मैं, her wits to yours for sooth and made excuse. तो कई बार उसने कई बहाने बनाए, मुझे लगा कि वो बहाने बना रही, क्लियर नहीं कहा उसने, even then would be some stooping and I choose never to stoop. या फिर दोनों में से, देखिए, जब मैंने उसको कहा कि देखो यहां पर गलती है तुम्हारी, ऐसा ना किया करो, सबसे नहीं स्माइल करना है, सबसे एक ही तरीके, सब तरह खुश नहीं होना है, जब मैं कुछ दूं तो अलग खुशी होना चाहिए, कोई दूसरा कुछ ऑफर करे, सो देन एट दैट टाइम दूसरे टाइप की खुशी होना चाहिए। सो ड्यूक ऑफ फेरारा ने मैसेंजर को क्लियर किया कि मैंने उसको कहा कि अब तुम मर्यादा को लांघ रही हो, उल्लंघन कर रही हो, उसके पार जा रही हो। ओके, सो हो सकता था दोनों में से एक कोई गलती मान लेता, आई चूज नेवर टू स्टूप, लेकिन कहता है देखिए हो सकता है कि कोई, अगर ये दो में से कोई एक झुक जाता तो हो सकता है बात बन जाती, लेकिन मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। ओह सर सी स्माइल नो डाउट, वो देखिए सर, वो मैसेंजर से कहता है कि देखिए सर सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, नो डाउट सी स्माइल्ड नो डाउट व्हेनेवर आई पास्ड हर, वो स्माइल करती, कोई इसमें दो राय नहीं है, जब भी मैं उसके बगल से गुजरता स्माइल कर लेती, बट हु पास्ड विदाउट मस्ट द सेम स्माइल, लेकिन कोई भी पास करे और वो सेम स्माइल दे, दिस ग्रेव, और ये बहुत ज्यादा हो चुका था। आई गेव कमांड्स, और फिर मैंने कमांड्स दिए, देन ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, और फिर सभी, पूरी स्माइल, पूरी जो स्माइल थी डचेस की, एक साथ बंद कर दी। तो दोस्तों इस तरीके से यहां पर आप समझ सकते हैं, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और फिर उसकी स्माइल मैंने रोक दी, देयर सी स्टैंड एज इफ अलाइव, तो फिर मैंने क्या किया, उसकी सारी स्माइल को खत्म कर दिया, मार दिया, देयर सी स्टैंड। अब देखिए वहां पर उसकी जो पिक्चर लगी हुई है, वो कहता है देखिए वो जो पिक्चर लगी हुई है, देयर सी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, विल यू प्लीज यू राइट
सो चलिए ठीक है, अब हो गया, सारी बातें हो गई, मैंने बता दिया आपको। अब ठीक है, चलिए उठिए, वी विल मीट द कंपनी देन। चलिए नीचे कुछ बैठे हैं लोग, उनसे मिल लेते हैं। देन आई रिपीट, द काउंट योर मास्टर्स नोन मैनेज इज इन दिस एम्पल वर एंड दैट नो जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड फॉर जाउरी विल बी डिसअलाउड। और मैं जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके मास्टर है, क्योंकि जो मैसेंजर आया था वो शादी की बात करने आया था ड्यूक ऑफ फेरारा की, तो उसने कहा कि देखो मुझे उम्मीद है कि जो आपके मास्टर होंगे वो डाउरी देने में, दहेज देने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे या डिसअलाउड नहीं होगा आपके यहाँ। दो हिज फेयर डॉटर इज सेल्फ, लेकिन देखिए कन्विंस कर रहा है कि अलग, हाँ बट अगर कहा जाए तो उनकी जो डॉटर है जिसकी शादी वो मेरे साथ करने वाले हैं, खुद में वो अपने आप में दहेज है। एज आई अवॉर्ड एट स्टार्टिंग is my object. No, we will go together. चलिए चलिए ठीक है, दोनों लोग साथ में ही चलते हैं, दोनों लोग साथ में ही नीचे चलते हैं और उन लोगों से मिलते हैं। Notice Neptune, though taming a seahorse thought a rarity which class of Innsbruck cast in bronze for me. और देखिए ये जो नेपच्यून की, जो नेपच्यून यानी कि गॉड ऑफ सी कि जो ये कुल मिलाकर के ब्रॉन्ज की जो ये क्या है स्टैच्यू है वो काफी कीमती, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर वो इंप्रेशन डालना चाहता है जो ड्यूक है कि यस मेरे पास बहुत सारी प्रेसियस चीजें हैं और बहुत सारी चीजें मैं रखता हूं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अगर माई लास्ट डचेस की बात किया जाए, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वन ऑफ द बेस्ट पोएम है। और इस पोएम में दोस्तों आपने देखा कि कैसे जो ड्यूक है, कुल मिलाकर के जो ड्यूक है वो सारा डिस्क्रिप्शन ड्यूक रिप्रेजेंट कर रहा है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यहां पर एक बैकग्राउंड में एक पेंटर फ्राप एंडोल्फ को भी रखा है, और साथ में दोस्तों एक एक तरीके से ये जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है किसी के माइंड का कि कौन क्या सोचता है किन सारी चीजों के बारे में, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो उम्मीद है दोस्तों मुझे ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। दोस्तों कंप्लीट कोर्स के लिए अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।